खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशन हब में। दोस्तों, बोर्ड की एग्जाम में बड़ा बदलाव हुआ है, अब पाँचवीं और आठवीं में भी स्टूडेंटों को फेल किया जाएगा। कक्षा टेंथ के रिजल्ट को सुधारने के लिए कवायद तेज कर दी गई है और इसी सत्र से ये नियम लागू होने वाला है। पूरी की पूरी वीडियो में हम आपको विद प्रूफ बताने वाले हैं कि पाँचवीं और आठवीं में भी अब स्टूडेंट्स फेल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको एजुकेशन से जुड़ी छोटी या बड़ी अपडेट इसी प्रकार से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाँचवीं और आठवीं परीक्षा में फेल नहीं करने का नियम अब ख़त्म हो गया है, अर्थात अब पाँचवीं और आठवीं कक्षा में भी फेल किया जाएगा। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ विधेयक और पाँचवीं और आठवीं परीक्षा में फेल नहीं करने का नियम ख़त्म हो चुका है और आपको हम पूरी न्यूज़ इसमें बताने वाले हैं, इसलिए आपको ये न्यूज़ लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो केंद्र से संबंधित न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें राज्य सरकार के बारे में भी पूरी सूचना आपको मिलने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। देश के 1202 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे सभी पाँचवीं और आठवीं के उन छात्रों के लिए बुरी खबर है जो केवल मांग करते हैं और पढ़ाई से दूर भागते हैं। अब ऐसे छात्रों को नए सत्र में पाँचवीं और आठवीं में फेल भी किया जा सकता है। दोबारा निचले क्लास में ही उनको रहना होगा, लेकिन ऐसे छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। इस नियम को अगले सत्र से लागू किया जाएगा। यह कदम 10वीं के रिजल्ट को सुधारने के लिए उठाया गया है। इसको लागू करने के लिए 25 राज्यों ने हामी भी भरी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहले केंद्रीय विद्यालय के पाँचवीं वह आठवीं क्लास के बच्चों को फेल न करने का निर्देश था। इसका परिणाम यह देखने में आया कि बच्चे पढ़ाई पर जोर नहीं देते हैं। नतीजा यह होता था कि छात्रों की क्लास में उपस्थिति भी बहुत कम रहती थी। अभी तक कोई छात्र बहुत ही कम नंबर लाता था, तब भी उसे किसी तरह नंबर बढ़ाकर पास किया जाता था। परिणाम स्वरूप 10वीं क्लास का रिजल्ट खराब होने लगा था और स्कूलों को बदनाम होने लगी थी। स्कूलों की बदनामी होने लगी थी, साथ ही जिस स्कूल के 10वीं का रिजल्ट खराब आता था उस स्कूल के प्राचार्यों और अध्यापकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ एक्शन होने लगा था। इधर पाँचवीं क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे, तो इसलिए आठवीं के छात्रों को ये मालूम था कि जो लिखेंगे उन्हें पास तो होना ही है, इससे वो पढ़ाई भी मेहनत नहीं कर रहे थे। इस आदेश के तहत फेल छात्रों को भी पास करना की मजबूरी थी। परिणाम स्वरूप अब ये नियम चेंज। दोस्तों, अब बात करते हैं राज्यों के बोर्डों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर लिख रहा है कि राज्यों के बोर्डों पर भी होगा नियम लागू। तो ये जो नियम है पाँचवीं और आठवीं में फेल करने का, ये राज्य सरकार के बोर्डों पर भी लागू होगा। इस बाबत मानव संसाधन विभाग के खास सूत्र ने बताया कि यह नियम केंद्रीय विद्यालयों पर तो लागू होगा ही, साथ ही यह नियम राज्य सरकार के एजुकेशन बोर्डों पर भी लागू होगा। इसके लिए देश भर के 25 राज्यों ने अपनी सहमति भी दे दी है। मसलन हर विद्यालय में इसको शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, अब क्लास 5th में और 8th में भी स्टूडेंटों को फेल किया जाएगा। उसका कारण आपको पता ही चल गया होगा कि किस कारण से इन्हें फेल किया जाएगा, और मैं आपको आगे बता देता हूँ। शिकायतों को देखते हुए लिया गया निर्णय। नियम की शिकायत स्कूलों के प्राचार्य लगातार केंद्र सरकार से करते रहे। सूत्र बताते हैं कि जब ऐसी शिकायतों का अंबार लगने लगा तो फिर इस नियम को बदलने के निर्णय लिया गया। काफ़ी मंथन के बाद केंद्र सरकार ने इस नियम को बदलने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार दूसरे संशोधन बिल 2017 लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया और वहां से पास भी हो गया है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि इससे बच्चों का भविष्य सुधरने में मदद मिलेगी, इसलिए उनको संवारने की ज़रूरत है। उनको एक चांस देने का भी निर्णय लिया गया है। सूत्र ने बताया कि जो छात्र फेल होंगे उनकी एक माह बाद फिर परीक्षा ली जाएगी। इससे पास हो गए तो पास और फेल हो गए तो फेल। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और नियम दिया जाएगा, अगर आप दोबारा से फेल होते हैं तो आप फेल हैं और एक बार पास हो गए तो आप पास हैं। तो ये मोदी सरकार का बड़ा निर्णय है। अब कक्षा पाँचवीं और आठवीं वाले स्टूडेंट भी फेल होंगे और इसी सत्र से ये नियम लागू होने वाला है। इसी सत्र से मतलब नए सत्र से ये नियम लागू होगा। तो क्लास 5 और 8 से जुड़ी हुई ये अपडेटेड न्यूज़ थी जो मैंने आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशन आपके माध्यम से अवेलेबल करवाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।